जी जो मेरा ब्याह होने तो बाद उसी रात को मैं कहन लग गई मैं 10,000 रुपये का फोन लैके दे। मैं फिर उन्होंने बहाना लाया, मैं क्या मेरे भरा नूं पता वा, मैनू नहीं पता है, मेरे भरा ने मैनू फोन लैके ये दिता वा जी। आह मुंदी झांजर ते आह बिछवे ते आह बालियां ते उहदे बाद 2 लाख रुपया वो सीगा ते 2 लाख रुपये भी नाल लै गई जी। असी दुकान वास्ते ही वो रखा सीगा जी। जो मेरा ब्याह होने तो बाद उसी रात को मैं कहन लग गई मैं 10,000 रुपये का फोन लैके दे। तो फिर मैं वो गल गोरी नहीं हैगी मैं दिमाग तो निकालती। फिर उहदे बाद दूजे दिन मैं कहती मैं फोन का OTP दस। गूगल पे जो पेटीएम होंदा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। मैं फिर उन्होंने बहाना लाया, मैं क्या मेरे भरा नूं पता वा, मैनू नहीं पता है, मेरे भरा ने मैनू फोन लैके ये दिता वा। फिर मैनू कहती मैनू 3,000 रुपये गड्डी का किराया चाहिए। मैं क्या भाई मेरे को है नहीं कि हजे कोई भी पैसा, मैं क्या डैडी आऊगा, डैडी तो मैं तेनों मिल जाएंगे। फिर कहती पापा के अंडर तुम वो करते हो काम, तुम अपने से क्या बनाया। मैं उसको बोला जो हमसे बड़ा है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका वो बनता है। सर जी मैं 2 रातां रहा जी। 2 रातां च मैनू उहदे बिहार का पता लग गया सीगा। ते मैनू जो डैडी खुआर देन जाता सीगा मैनू कहती तुम दुकान में चलो। फिर दुकान के बिच हुंदा सीगा मैनू नहीं पता किवें उहने समान कढ़िया किवें लैके गई आ जी। आह मुंदी झांजरां ते आह बिछवे ते आह बालियां ते उहदे बाद 2 लाख रुपया वो सीगा ते 2 लाख रुपये भी नाल लै गई जी। असी दुकान वास्ते ही वो रखा सीगा। बचोलन की कहंदी है? बचोलन थोड़ी गल हुंदी है। बचोलन आ जी मेरी गल पहले ब्याह तो हुई सीगी। कहंदे उनका तलाक होया वा ते ऐ उछोलन दी आ ते मैं थोड़ा वो दिनी करवा रिश्ता। तो उहदे बाद मैनू फोटो विचोलन ने दिखाई, मैं कहा चलो सर ठीक आ। तो फिर कुड़ी नूं दिखाई कहती ठीक आ। फिर उहदे बाद साडा जी हो गया ब्याह। तो ब्याह दे बाद जी अपनी भैन दे घरे जाके कहती मुंडा मैडिकल नशे करता वा। तो उहदे बाद ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੀ ਵਿਚੋਲਣਾ ਮੇਰੀ ਫੇਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਮੱਛੜ ਥਾਣੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਵਾੜੇ ਥਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਕ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਨਾ ਗੇੜੇ ਲਵਾ ਲਵਾ ਕੇ ਬੱਸ ਕਰਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, 40,000 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈ ਬੈਠਾ, ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਮੈਂ ਗਵਾਈ ਬੈਠਾ, ਘਰੋਂ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਗਵਾਈ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ अफसर को जाऊँगी ना मेरी दरखास्त, मेरा पूरा खर्चा, कोई झूठ नहीं, मेरे ना इंसाफ किया जाए जी। तो हम कंप्लेंट आई है सर एक भी मेरे लड़का जतना जोड़ा सी विचोलन जसविंदर कौर वासी चमकौर साहब ने ब्याह कराया सी। पर वो लड़की 2 दिन बाद ही चले गई है, मुड़ के वापस नहीं आई। साडा जो सीगा माड़ा मोटा समान भी नाल ले गई है। जिस तरह साडी कंप्लेंट आई है, कंप्लेंट की असीं पड़ताल कर रहे हैं। अगर जे किसी ने भी कोई कानून की उलंघना की तो खिलाफ कानून अनुसार बनती कार्रवाई की जाए। पैसे भी कह रहे हैं पर पड़ताल तो बाद जो भी जो उन्होंने खिलाफ कार्रवाई परचा दर्ज करांगे जी।